नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, अगर आपका वोटर कार्ड के लिस्ट में नाम है, आपके पास वोटर कार्ड भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने पुराने वोटर कार्ड को एक नया वोटर कार्ड के रूप में, पीवीसी कार्ड के रूप में, जो आधार कार्ड के तरह दिखता है, उस प्रकार से डाउनलोड करना, तो आप बिल्कुल ही फ्री में, बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से ही पीवीसी वोटर कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि नया वोटर कार्ड हो या पुराना वोटर कार्ड हो, सबको आप ईपिक में डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे डाउनलोड होगा मैं आपको चलिए लाइव दिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि यह पूरे आपके आधार कार्ड के जैसा यह वोटर कार्ड दिखेगा। तो यह वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ई वोटर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है NVPSP और आपको सर्च कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। आपको यहाँ पे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर क्लिक करना है। अब आपके सामने वोटर पोर्टल का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद अब आपको ईपिक को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से आपको देखिए लॉगिन और रजिस्टर का जो ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। पहले से आपने यहाँ पे रजिस्टर हो रखा है तो आप यहाँ पे यूजर नेम में मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है बॉक्स में फिल करके यहाँ से लॉगिन करेंगे। वहीं अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है डू नॉट हैव एनी अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होता है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP को बॉक्स में फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। आपको उसके बाद बेसिक सा डिटेल्स डालना है, नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आपको बना लेना होगा। उसके बाद आप लॉगिन हो सकते हैं। मैं पहले ही वीडियो बना रखा हूं, मैं पहले ही इस पर रजिस्टर हो चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट आपको लॉगिन करके दिखाता हूं। लॉगिन होने के लिए आप बैक आएंगे, लॉगिन वाले पेज पर आएंगे। यहां पे आप अपना जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से आपने रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे। यहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लिया हूं, कैप्चा भी फिल कर लिया हूं। अब मैं यहां से लॉगिन पर क्लिक करता हूं। अब आप वोटर पोर्टल के सर्विस पर लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको ईपिक डाउनलोड करने के लिए देखिए आपको यहां पे दो ऑप्शन मिलता है, यहां से भी आप ईपिक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड ईपिक का जो ऑप्शन मिलता है, इस पर भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आपके पास ईपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड का नंबर है तो आप वोटर कार्ड का नंबर इसमें डालेंगे और यहाँ से अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और रेफरेंस नंबर डालेंगे, स्टेट सिलेक्ट करके सर्च करेंगे। तो मेरे पास में वोटर कार्ड का नंबर है तो मैं यहाँ पे वोटर ईपिक नंबर को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं ईपिक को डाल देता हूँ यानी कि वोटर कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। वोटर कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे भारत के सभी स्टेट देखने को आपको मिल जाता है। जिस भी स्टेट से आप हैं, जिस भी स्टेट में आपका वोटर कार्ड है, उसका स्टेट आपको सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ से बिहार से हूँ तो बिहार को सेलेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ से सर्च पर क्लिक कर देना है। आपको कुछ देर वेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ईपिक नंबर रहता है। यहाँ पे आपका नाम शो होता है, यहाँ पे आपके रिलेटिव का नाम यानी कि माता पिता या पति का नाम शो करता है, यहाँ पे आपका स्टेट, यहाँ पे आपका विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 अंक शो होता है। यहाँ पे अगर आपका ईमेल एड्रेस रहता है तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस भी शो होता है। अब आपको डाउनलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए सेंड OTP का जो ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके वोटर कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक किया, मेरे मोबाइल पर एक OTP आ गया है। मैं यहाँ पे अपना OTP डाल दिया। एक बात और आप जान लें कि OTP आपको किस मोबाइल नंबर पर गया है, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट का 4 अंक आपको शो करता है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। अब OTP डालने के बाद आपको यहाँ से वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से डाउनलोड ईपिक का ऑप्शन आएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ये वाला जो कैप्चा दिखाई देता है, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लिया हूँ। अब आपको डाउनलोड ईपिक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं, अब आपके सामने
कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका वोटर कार्ड डाउनलोड हो चुका है। आपको यहाँ से पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हुआ है तो आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। जो भी आपका जहाँ भी पीडीएफ ओपन होता है उसको ओपन कर ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डिजिटली तरीका से ईपिक यानी कि वोटर कार्ड डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे आपका सभी डिटेल्स रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्यूआर कोड भी इस वोटर कार्ड में दिया गया है। इसको आप चाहे तो प्रिंट आउट करके और यहाँ पे आप लेमिनेशन करा करके इसको आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी वोटर कार्ड में फोटो है यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पर फोटो है वही फोटो यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से कुछ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको इसको प्रिंट आउट निकलवा करके और आप इसी प्रकार से इसका लेमिनेशन करा करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ही डिजिटल तरीके से क्यूआर कोड सहित यहाँ पे वोटर कार्ड डाउनलोड होता है। तो इस प्रकार से आप अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि पीवीसी वोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसी प्रकार से आप अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़ करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।